लीवर से संबंधित आज़ार के बारे में हम आज बात करेंगे कि लीवर प्रॉब्लम होने के बाद बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं और लीवर प्रॉब्लम क्यों होते हैं और उसका उपाय क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, या क्या हम उसके रक्षा लीवर की कैसे करेंगे, उसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। लीवर का जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, लीवर के जो मेन डिसीजेज हैं उसके बारे में बात करेंगे। लीवर के मेन डिसीजेज हैं, एक सबसे बेहतर इंपॉर्टेंट डिसीज लीवर के दो, एक फैटी लीवर जो है लीवर का मेन प्रॉब्लम है, उसमें दो प्रकार हैं, एक है अल्कोहल फैटी लीवर, एक है नॉन अल्कोहल फैटी लीवर। दूसरे डिसीजेज में लीवर के जो हैं उसमें जॉन्डिस जिसे हम हिंदी में कावड़ भी बोलते हैं, पीला होना, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, वायरस की वजह से होने वाले बीमारियां, फिर उसमें पेट में पानी भरना जिसको हम जलोदर या असाइटिस भी बोलते हैं, जो भी कि लीवर के प्रॉब्लम की वजह से ही होता है। इसी के साथ लीवर में और बहुत से प्रॉब्लम हैं, इसमें न्यूली डायग्नोस्ड हाइपरटेंसिव पेशेंट भी लीवर से संबंधित हो सकते हैं। लीवर में अगर इम्प्योरिटी आ जाए, लीवर में कोई ख़राबी आ जाए तो उसका असर किडनी पे भी होता है, उसका असर किडनी पे भी होता है, और उसका जो असर है वो हार्ट के ऊपर, ब्रेन के ऊपर और पूरे बॉडी के अंदर उसका असर होना शुरू होता है। हम ये जो आज वीडियो बना रहे हैं, उस वीडियो बनाने की जो संकल्पना है हमारा, एक ये जो उद्देश्य है कि लीवर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को जागरूक कर सके। अब लीवर प्रॉब्लम हुआ है, ये हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, कैसा हो सकता है? जनरली अगर कावड़ हो जाए या जॉन्डिस हो जाए तो बहुत से लोगों को वो समझ में आता है कि शरीर पे पीलापन महसूस दिखता है, जैसे आँखें पीली होती है, शरीर का रंग पीला होना शुरू होता है, नाखून पीले होते हैं, व्यक्ति के पेशाब का रंग पीला होता है, उसके मल का रंग भी पीला होता है, इसको पीला कावड़ कहते हैं, और इसमें सफ़ेद कावड़ भी एक है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स इसमें हैं, और डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है उसमें LFT बोलते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, उसमें हम सीरम बिलिरुबिन देखते हैं। सीरम बिलिरुबिन अगर बढ़ा हुआ है तो लीवर में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो जनरली सीरम बिलिरुबिन का नॉर्मल लेवल 1 है, अगर उससे ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो हम समझ सकते हैं। अगर और लीवर जो है, लीवर के बारे में क्यों बात कर रहा है अपने को, लीवर जो है एक लीवर को बॉडी की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉडी की फैक्ट्री, बिकॉज ये जो है मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर लीवर जो है सब बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, अगर इसमें अगर कोई बिगाड़ आ जाए तो फिर पूरे बॉडी में बिगाड़ आ सकता है दोस्तों। और लीवर के जो पेशेंट्स हैं मैक्सिमम, उनमें किडनी प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम, ब्रेन प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम ये शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनमें अल्कोहलिक लीवर सिंड्रोम जो है एक तैयार हो जाता है। अब इसमें लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उस डायग्नोसिस होने के बाद उसमें क्या क्या होता है, लीवर में चेंजेस लीवर में क्या क्या होता है उसके हम बात करेंगे। कि सब में इम्पॉर्टेंट जो लीवर ख़राब होने की जो वजह है वो है किसी व्यक्ति का हद से ज़्यादा, प्रमाण से ज़्यादा दारू पीना, अल्कोहल, बियर, अल्कोहलिक ब्यूरेजेस, ये प्रमाण से ज़्यादा पीना। अगर किसी भी चीज़ में, किसी भी नशीली पदार्थ में अल्कोहल का प्रमाण से ज़्यादा उसका प्रमाण है, लिमिट से ज़्यादा प्रमाण है, तो फिर वो अगर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में वो कोई व्यक्ति पीता है तो फिर उसका बहुत ही ख़राब असर होगा बॉडी के ऊपर, उसका ब्रेन पर असर होगा, हार्ट पर असर होगा, किडनी पर असर होगा, लीवर पे असर होगा, जी आई ट्रैक्ट पे असर होगा, मतलब उसका भूख टोटली वीक हो जाएगा, उसको भूख ही नहीं लगेगा, जो भी खाएगा वो पचन नहीं होगा, तो उसका जो प्रकृति है, उसका जो हालत है वो दिन ब दिन कम होता जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होगा, इसमें लीवर में प्रॉब्लम क्यों आते हैं, क्या होता है? सब में ज़्यादा जो है दारू से जो है लीवर डैमेज होना शुरू होता है, फर्स्ट स्टेज लीवर डैमेज होता है, फिर लीवर सिरोसिस होता है, फिर वो जो लीवर है कभी कभी कार्सिनोमा टाइप में, मतलब कैंसर की तरफ भी बढ़ने लगता है। तो इतने सारे चीज़ें जो है
लीवर में होते हैं, अगर लीवर में प्रॉब्लम आ जाए तो फिर वो ऐसे पेशेंट को दम भी लगता है, ठीक है, क्योंकि दम क्यों लगता है कि पापा पेट में पानी भरना शुरू होता है, जिसको हम जलोदर या असाइटिस बोलते हैं। पेट में अगर पानी भरना शुरू हो जाए तो फिर बहुत प्रॉब्लम होता है, उसको दम लगता है, वो आखिरी में आईसीयू में एडमिट हो गया। आखिरी में तो क्या होता है हम सबको मालूम है, तो ये लीवर प्रॉब्लम है। अभी लीवर प्रॉब्लम के साथ साथ पूरे बॉडी में जो है किडनी प्रॉब्लम, ब्रेन प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम, ये लीवर की वजह से आ जाते हैं। तो किडनी में क्या होता है कि वो किडनी में जो है सीरम क्रिएटिनिन अगर चेक करेंगे तो बढ़ा हुआ होता है वो, ठीक है। अभी फिर दूसरे भी ऑर्गन्स के प्रॉब्लम शुरू होते हैं, कभी कभी शुगर भी होना शुरू हो जाती है। तो इसके ऊपर हम एक बहुत ही जो पेशेंट्स को हम उपाय बताते हैं, इसको हम बायोसिलिमरिन नामक कैप्सूल हम पेशेंट को प्रेफर करते हैं। इसका काम क्या है, ये जो है अगर आप देखेंगे, रिजनरेट्स लीवर सेल्स, रेगुलेट्स हार्मोन, एंटी एजिंग, ये GMP सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, 100% प्योरिटी गारंटी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मिल्क थिस्टल, ये एक बहुत ही आयुर्वेदिक हज़ारों साल पुरानी वनस्पति है, मिल्क थिस्टल, इसको होली थिस्टल भी बोलते हैं, हज़ारों साल से ये उपयोग में आती है। सिलिमरिन, सिलिटायरिन एंड सिलिक्रिस्टीन, ऐसे इसमें कंटेंट है, मेनली ये सिलिमरिन से बनता है, प्योरिटी गारंटी है इसकी। ये जो साइन है ये प्योर वेजिटेरियन का साइन है। अगर देखेंगे यहाँ पे FSSAI, सेलुलर न्यूट्रिशन, GMP सर्टिफाइड, आयुष डिपार्टमेंट से सर्टिफाइड, यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन। अगर इसको यहाँ पे किसी भी स्कैनर पे स्कैन करेंगे तो कंपनी का पूरा नाम आता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसका फार्मूला मलेशिया में फार्मूला किया है, तैयार हुआ है, लेकिन ये टोटली मेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा बायोसिलिमरिन, 140 मिलीग्राम वन कैप्सूल है, ये दिन में दो कैप्सूल खाना है। दिन में दो कैप्सूल खाने से सुबह शाम ये जो है कम से कम लगभग तीन से चार महीने अगर कोई पेशेंट खा ले तो उसकी दारू पीने की इच्छा जो है वो कम कम होती जाएगी, क्योंकि उसका लीवर जो है डिटॉक्स होगा, और उसका लीवर डिटॉक्स होगा, उसका जो किडनी साफ होगा, उसका हार्ट पे का लोड कम होगा, GI ट्रैक्ट अच्छा होगा, ब्रेन अच्छा होगा, पूरी बॉडी में सुधार आ जाएगा, उसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम जो है कम हो जाएंगे उसकी, और उसकी दारू पीने की इच्छा कम 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 होते होते वो एकदम नील भी हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति की जो है मानसिक परिस्थिति शक्ति अच्छी है और उसे छोड़ना ही है तो वो छोड़ सकता है। सब में इम्पोर्टेंट जो है, दारू पीने वाला व्यक्ति भी एक अच्छा आयुष जग सकता है, कब, अगर उसका लीवर अच्छा हो, लीवर कब अच्छा रहेगा, अगर वो कैप्सूल बायोसिलिमरिन 3 से 4 महीने खाएगा रेगुलरली सुबह शाम, ठीक है। ऐसा अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो वो बायोसिलिमरिन खाकर अपने लीवर को सुधार सकता है। और एक इसमें दूसरा एक जो मैं उपाय बोलने वाला हूँ कि अगर कोई व्यक्ति कम प्रमाण में भी दारू पीता है और उसको मालूम है कि दारू पीने से साइड इफेक्ट होते हैं, तो वो ये प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट जो है, एक लीवर साफ रहे और पूरी बॉडी साफ रहे, गुड साउंड मेंटेन में रहे, इसलिए भी ये प्रोडक्ट खा सकता है। ये प्रोडक्ट खा का बहुत ही अच्छा उपयोग है, शुगर होने नहीं देता, BP होने नहीं देता, कैंसर से बचाता है, ये बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है, तो इसलिए इस प्रोडक्ट का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। अगर ये प्रोडक्ट जो है एकदम प्योर आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट से कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, इसलिए हमें हमारे लीवर का ख्याल रखना होगा, क्योंकि लीवर अगर अच्छा रहे, साउंड रहे, मेंटेन रहे, तो हम सब जो है, जो भी व्यक्ति है, जो भी पेशेंट है, जो भी रुग्ण है, या जो भी समझदार व्यक्ति है, वो अच्छा रह सकता है, साउंड, गुड मेंटेन। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है